नमस्कार दोस्तों, मैं सिकंदर चौधरी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं नया भोजपुर नवरत्न किला के पास आए हैं और कुछ जानकारी आप लोगों को देंगे और दिलवाएंगे भी, क्योंकि उतना भी हमारा जानकारी नहीं हमारे पास। हमारे साथ कुछ व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे और आप लोगों के समकक्ष हम लाएंगे, दिखाएंगे। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे यही किला है, जो कि अवशेष इतना ही सिर्फ बच गया है। चारों तरफ से ढह ढिमला गया है, टूट गया है, यही शेष रह गया है। इसके बारे में कुछ हम जानकारियाँ आप लोगों को दिलवाना चाहेंगे। हमारे साथ एक चाचा जुड़े हुए हैं, क्या नाम हुआ चाचा आपका? जो मेरा नाम मंगल प्रसाद है जी। आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं नया भोजपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा। अनु मेरा खास घर द्वार जो यहीं पर है जी। और नवरत्न किला के विषय में हम लोग थोड़ा बाप दादे के मैंने अथी से हम सुने हैं जी। ये नवरत्न किला पहले का विक्रमादित्य का चीज़ था। अच्छा। अनु जब विक्रमादित्य थे तो उस समय उनके साथ ही इस किला के मैंने अंदर में वो नौ कवि रहते थे जी। नौ कवि रहते थे और वो कवि वो भविष्य जानते थे जी। आगे पीछे का भविष्य जानते थे। अब विक्रमादित्य का जो सिंहासन पतिसी उसका जो बैठने वाला था सिंहासन, उसका नाम सिंहासन पतिसी था जी। वो सिंहासन पतिसी जो है वो उस सिंहासन के चारों साइड में चार परियां रहती थी जी। वो भी भविष्य जानने वाली थी। तो विक्रमादित्य के समय जो भी हुआ आई अकबर बादशाह जो थे तो इनका नाम सुनकर भोजपुर किला का नाम सुनकर वो घबराने लगे। वो सोचा कि मैंने हम तो थे, दूसरा कौन राजा हुआ। तो उस समय अकबर बादशाह ने इस किला पर चढ़ाई किया। अच्छा। अपना शासन जमाने के लिए वो अकबर बादशाह ने मैंने ये सब किया। तो हमला होने से पहले ये जो कवि थे ये राजा को जानकारी दे दिया जी। अनु यहाँ के राजा को जानकारी दे दिया अनु। और जब हमला वो बोले अकबर बादशाह बोले जी। तो सबसे पहले अकबर बादशाह उस सिंहासन को हासिल करना चाहता था। अच्छा। लेकिन जो उनकी परियां थी अच्छा। वो हासिल नहीं होने दिया अकबर बादशाह को जी। वो क्या किया को सिंहासन पतिसी को लेकर जमीन के अंदर समा गई। अच्छा। उसको हासिल नहीं हुआ। अच्छा। जो बचा खुचा हुआ हासिल हुआ। तो अकबर बादशाह ने सोचा कि आखिर इस किला को बनाने वाला है कौन। तो वो मिस्त्री को छानबीन करने लगा। अच्छा। तो उस समय मिस्त्री वो थे। अच्छा। जिंदा थे। उसको अकबर बादशाह ने बुलाया जी। बुलवा कर उसको बहुत टॉर्चर किया और ये भी बोला कि आइंदा इस तरह किला कहीं बनाना नहीं चाहिए। अच्छा। मिस्त्री को। अच्छा। तो इस तरह किला वो मिस्त्री नौ जगह बनाया था। अच्छा। और नौ जगह इसका अंडरग्राउंड रास्ता था। अच्छा। और अंदर अंदर राजा वो नौ किला पर अपना मैंने मार्च करते थे जी। जिसमें एक वो है जो सामने देख रहे हैं। वो तो लोग बता रहा है कि क्या नाम बताने से बात नहीं हो। अच्छा। जो हम हकीकत कह रहे हैं इतिहास उठाकर देखिएगा ना। अच्छा। अभी तो इसे इतिहास इसे पटना होगा। इतिहास उठाकर देखिएगा तो वो किला है। अच्छा। एक ये भी है। अच्छा। एक उधर गजरावा की तरफ है। अच्छा। एक इस साइड में है। अच्छा। इस तरह से इसका नौ किला था। अच्छा। इसके जैसे विशाल नहीं, जैसे छोटा छोटा अपना घूमने के लिए वो बनाए थे। अंडरग्राउंड के रास्ता से वो प्रवेश करते थे जी। तो इस तरह का बनाया था वो मिस्त्री। तो मिस्त्री को मैंने मारने के लिए वो टॉर्चर किया तो मिस्त्री बोला कि ऐसे नहीं, हम अपना एक शर्त है। उससे बात किया अकबर बादशाह की, एक शर्त है। अच्छा। हमारा शर्त और जब पूरा कर दीजिएगा तो मैंने जो करना है आप कर लीजिएगा हमको। तो अकबर बादशाह ने पूछा कि बताओ क्या है। तो बात ऐसा है कि देखिए एक डंका मंगाइए। अच्छा। हम इस डंका को पीटते हुए अंदर घुसेंगे। अच्छा। और अपना आदमी पीछे मेरा लगाइए, अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरे हाथ पर काट दीजिएगा। उस पर ध्यान देना है, हाथ पर काट दीजिएगा। तो राजा को मंजूर हो गया। वो डंका उसको लाया गया, बहुत बड़ा डंका। वो मिस्त्री इस मकबरे के अंदर डंका बजाते हुए प्रवेश किया और उनके साथ ये अकबर बादशाह का जो है आदमी गया। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा मैंने महसूस हुआ
कि डांका को कहीं और पिटा रहा है और सिपाही कहीं और चला गया। अच्छा, तो दोनों भूल गया। अच्छा, उसी में दोनों भूल गया। अच्छा, तो जो मिस्त्री का बनाया हुआ है तो वो तो जानते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे है, लेकिन सिपाही लोग को पता ना चला। अच्छा, तो बात ऐसा है कि दोनों उसी में माने 24 घंटा का 48 घंटा भी बीत गया, दोनों में कोने नहीं निकला। किला में? हाँ, किले के अंदर रह गए दोनों। मतलब कि निकला कभी की अभी तक निकला नहीं? पता नहीं चला, अभी भी नहीं पता। राजा को भी पता नहीं चला अकबर बादशाह को क्या हुआ उसमें। अच्छा, कुछ पता नहीं चला, पता नहीं चला। इसका कहानी यही है, अकबर बादशाह कुछ कर नहीं पाया। ये सब अपने मनेथी से तो हुआ रहे, तो हाँ करवा दिया, तोड़वा दिया। अच्छा, थोड़ा तोड़वा दिया अकबर बादशाह, थोड़ा कुछ चला। अच्छा, उसी समय यहाँ के जो बस्ती के लोग थे कि भाग कर मैंने दूसरे जगह चला गया। अच्छा, डर से? डर से भाग गया, बस्ती छोड़कर भाग गया। तो एक और बस्ती छोटा है हनु, जो पहले से था और उसका नाम पुराना भोजपुर है। अच्छा, ठीक है, तो पुराना भोजपुर था तो उसी में जाकर ये लोग बस गए, वहाँ पर जाकर पुराना भोजपुर। जब यहाँ का माहौल शांति हुआ तो फिर यहाँ के जो भागे थे लोग फिर आकर ये बस गए। तो इसका फिर दोबारा नाम पड़ा नया भोजपुर। अच्छा, पहले यही भोजपुर था? पहले यही था। विक्रमादित्य के बाद ये जो राजा भोज बोला जाता है जी, वो यहाँ आए। अच्छा, राजा भोज जी, उनके नाम से प्रसिद्ध होने लगा। अच्छा, तो राजा भोज के समय में बहुत राम राज था। अच्छा, बहुत अमन चैन था जी। तो बस्ती बहुत बड़ा था, यहाँ पर जाइएगा अभी भी तो गली गली मार्केट है। हाँ, और उस समय ज़्यादा था। अच्छा, तो उसका नाम पड़ा 52 गली, माने 52 गली इसको माने लोग को चलते थे। अच्छा, मनु आ हर गली में बाजार। अच्छा, तो उस बाजार को लेकर ये लोग बोलते थे कि 53 गो बाजार यहाँ पर लगते थे, छोटा या बड़ा। अच्छा, यहाँ 52 गली और 53 बाजार से मशहूर थी, मशहूर हुआ। अच्छा, तो भिक्षु उसको तबाह करता था, वो मनुष्य आदमी लेकर आया उसको। तब इस मार्केट में तो सब कुछ बिक गया, लेकिन वो आदमी उसको लेकर बैठे रह गया। अच्छा, तो लास्ट में राजा भोज आए रिसर्च करने के लिए कि इसे क्या बचा, हम खरीद लें। तो आदमी को लेकर बैठा था वो। अच्छा, तो राजा भोज बोले कि आप क्यों बैठे हैं? अच्छा, तो वो बोले कि हम इनको बेचने बैठे हैं, ये बहुत दरिद्र है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, इसको हमको दे दीजिए, हमारा तो नियम है। तो राजा भोज उस दरिद्र को खरीद लिया। अच्छा, बाद में वो राजा भोज क्या किए कि उसको बाद में खदेड़ दिया हनु। तो उस समय से ये दीपावली के समय दीपावली में ये जो पिंडिया वगैरह लगता है ना, वो कौन डेट फिक्स किया है, उसी डेट के दिन है, उसी डेट पर उसको खदेड़ा गया। अच्छा, उस दरिद्र को खेदा गया, हाँ। उसके बाद उसी दिन से और उसी डेट पर उसी साल में यहाँ पर लोग दीपावली के समय जो गोधन वगैरह लड़ी जो ये पर्व आती है तो उसके नाम पर यहाँ पर सुबह बजा कर खेदा जाता है। अच्छा, सुबह में ये तो हमारे हमारे बिहार में चारों तरफ है। हाँ, तो यहीं से स्टार्टिंग हुआ है। अच्छा, यहीं से स्टार्टिंग। हाँ, इसी यहीं से जड़ इसी। अच्छा, का दरिद्र जो खेदाया था उसी नाम पर दरिद्र। हाँ, उसी नाम पर ना? उसी नाम पर। अच्छा, बताइए, एक लॉजिक ही है, हम लोग का जानकारी नहीं था। हाँ, उसी के नाम से। अच्छा, यहाँ पर दरिद्र लोग खेदते थे, ये भी कहानी है इनका जी। चलिए, चाचा से बात करके अपना बात समाप्त करता हूँ, जो जानकारी था मैं बोल दिया। बहुत अच्छा लगा चाचा से बात करके, धन्यवाद। क्या है इसका इतिहास? इसका अंडरग्राउंड घर है। अच्छा, इसमें एक बार आगे का जो मिडिल एपी शर्मा स्कूल है। अच्छा, हिंदी स्कूल ऊपर में। अच्छा, उसका जो खुदाई हुआ था ना, उसमें रूम मिला था। अच्छा, दो सिक्कर लटका हुआ था वो अंदर में। अच्छा, उसमें दिया भी था और रास्ता भी था। अच्छा, लेकिन इसको पब्लिक हाली बंद करवा दिया। अच्छा, इसको बंद कीजिए, नहीं तो खुदा हो जाएगा तो पूरा गांव में फैल जाएगा कि कहाँ का इसका जगह रास्ता जा रहा है। अच्छा, इसको खुदाई किया जाए कि सब पोल खुल जाएगा कि कहाँ इसका रास्ता निकल रहा है, इसका अंदर रास्ता उस पे निकल जाएगा। कहाँ? जो वो वाला ऊंचाई पर है। अच्छा, वाला ऊंचाई, उसको क्या बोलते हैं लोग? उसको हम लोग कलबला हम बोलते हैं उसको। अच्छा, कलबला हम लोग का है।
लेकिन सरकार से अपील है खुदाई किया जाए, इसको देखा जाए किसका अंदर है क्या चीज है क्या चीज। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।